भागलपुर में बीते गुरुवार की रात पुलिस प्रशासन द्वारा अनशन पर बैठे भाजपा नेताओं और पत्रकार को घसीटने एवं लाठी चार्ज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर शनिवार को भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने शहर के भगत सिंह चौक से कमिश्नर ऑफिस तक प्रतिरोध मार्च निकाला। प्रतिरोध मार्च में भाजपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भागलपुर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां प्रतिनिधि मंडल ने कमिश्नर को मांगों का ज्ञापन सौंपा। साथ ही भाजपा नेताओं ने न्यूज कवर कर रहे टीवी चैनल के पत्रकार को घेर कर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाने की शिकायत आयुक्त से करते हुए पूरे मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर काला बिल्ला लगाकर अब भारत बिहार सरकार की यह जो गलत नीति है, दमनकारी नीति है, जिसने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। और नीतीश जी, आप भूल गए वह दिन कि आप जेपी के आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति और आज आंदोलन को कुचलने का बिहार में काम कर रहे हैं। जब जब बिहार के लोग, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो किसान सलाहकार हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, ये सभी सभी के मामले में आपने दमनकारी नीतियां अपनाई है। भागलपुर में भी जब पर्वती बुढ़िया काली के मामले में जो भागलपुर को शांत करने वाले लोगों ने वहां ईंटें बरसाए, मंदिर के क्षतिग्रस्त करने का काम किया है, उसको सिर्फ ऐसे दोषियों को पकड़ने को लेकर यहाँ हमारा अनशन चल रहा था, उसको भी बलपूर्वक आपने समाप्त करवाया और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी लाठियां बरसाई और जेल में भी डालने का काम आपने किया, हाजत में रखने का। कौन सा ऐसा अपराध किया था कि मेरी माँ बहनों को आपने हाजत में बंद करके रखा है? भागलपुर के विश्वविद्यालय ओपी क्षेत्र अंतर्गत पर्वती बुढ़िया काली मंदिर परिसर में उपद्रवियों के द्वारा पथराव की घटना के दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे ने शनिवार को बाबा वृद्धेश्वर नाथ मंदिर में अपना उपवास तोड़ दिया। बता दें कि इस घटना के बाद भागलपुर भाजपा की ओर से उपद्रवियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और देखते ही पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुके इस मामले में बीते दिनों पुलिस प्रशासन के द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भाजपा कार्यकर्ता सरकार और जिला प्रशासन से धार्मिक स्थल पर पथराव करने वाले की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं आपसी सौहार्द बिगाड़ने और भ्रामक संदेश जनता के बीच फैलाने की बात कहकर प्रशासन की ओर से आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन बाद में पीआर बॉन्ड भराकर सभी को छोड़ दिया गया। वहीं शनिवार को बीजेपी के कई नेता एकत्रित हुए और बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में रोहित पांडे का भूख हड़ताल तोड़वाया गया। इधर पूरे मामले को लेकर पीरपैंती भाजपा विधायक ललन कुमार ने कहा कि राज्य सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन के द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया, जिसकी वो निंदा करते हैं। विधायक ने कहा कि सरकार अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए विशेष वर्ग के दोषियों पर कार्रवाई नहीं करना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लगातार आगे बढ़ाएगी, जिससे दोषियों को सजा मिले और ऐसे मुद्दे पर आगे से राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया जाए। विधायक ललन पासवान ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को लेकर अनशन पर बैठे पूर्व जिलाध्यक्ष रोहित पांडे को घसीटते हुए पुलिस की वैन में बिठाया गया, जबकि कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया गया, जिससे जिला और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है। साथ ही कहा कि जब तक मंदिर परिसर में पत्थरबाजी करने वाले उपद्रवियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, वो सभी लगातार आंदोलन करेंगे। मौके पर काफी संख्या में भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, अब इस सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है और ये अनशन चल रहा था, हम लोगों ने अभी उनको जूस पिलाकर अनशन को तोड़वाया है। और आप जिस तरह से देखिए कि किसी एक खास वर्ग को लेकर के सरकार जो है तुष्टीकरण के लिए किस तरह से आप लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से उपवास कर रहा है, उसको इस तरह से आप मैंने उसको उठा के ले जाना, डंटाचार कराना, घसीटना। हम तो स्थानीय प्रशासन को चाहिए था कि इनसे आके मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, इनका ज्ञापन लेना चाहिए, कम से कम इतना आश्वासन देना चाहिए कि अगर आप लोगों के जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, इस बात में सच्चाई होगी तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये प्रशासन और सरकार जो है कि धरना जो दे रहे हैं अनशनकारियों को, वो आश्वासन भी नहीं दे पा रही। इसी से सोचिए कि सरकार का किस तरह से एक लोकतंत्र के प्रति किस तरह का दिवालियापन को प्रदर्शित करता है।
भागलपुर के पीरपैती थाना क्षेत्र अंतर्गत काली प्रसाद गांव में अनियंत्रित तेज रफ्तार पिकअप वैन ने 2 वर्षीय बच्चे को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इसके बाद वहां मौजूद ग्रामीणों ने पिकअप गाड़ी और उसके मालिक को दबोच लिया और घटना की सूचना तुरंत पीरपैती थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और गाड़ी को जब्त कर पिकअप मालिक को हिरासत में ले लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि पिकअप वैन और मालिक भी उसी गाँव का रहने वाला है, जबकि बच्चे की पहचान त्रिभुवन पासवान के 2 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार के रूप में हुई है। भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय का 14वां स्थापना दिवस शनिवार को समारोह पूर्वक मनाया गया। बिहार में कृषि और कृषकों के चहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए 5 अगस्त 2010 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की स्थापना की गई थी। वहीं 14वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार कृषि विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण किया, जबकि समारोह को संबोधित करते हुए सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि स्थापना दिवस पर विश्वविद्यालय में हुए कार्यों के अवलोकन का मौका मिलता है और बिहार कृषि विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की सूची काफ़ी लंबी है। साथ ही मुख्य अतिथि ने कहा कि परिसर के भ्रमण के दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ देखा और समझा है, जिससे उन्हें विश्वास है कि वो यहाँ बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। इसके अलावा कृषि सचिव ने जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने, फसल पद्धति का पुनरावलोकन करने की बात कही। स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता और स्वागत भाषण BAU के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने किया, जबकि कार्यक्रम में कृषि विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार झा, विभाग के उद्यान निदेशक एवं कृषि मंत्री के OSD समेत भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और कई पदाधिकारी एवं विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य शामिल हुए। इससे पूर्व स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान कुलपति ने कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल से BAU में मौजूद 15 विभागों को विस्तार देकर बिना अतिरिक्त खर्च के 20 विभागों को मान्यता देने का आग्रह भी किया। साथ ही विश्वविद्यालय में चलाए जा रहे कार्यक्रम और शोध कार्यों से मिल रही उपलब्धियों की विस्तार से चर्चा की और सभी को स्थापना दिवस की बधाई दी। वहीं कार्यक्रम में वेबसाइट, पुस्तक एवं पैकेजिंग का विमोचन करने के साथ शिक्षकों, कर्मियों, किसानों और विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा व्याख्यान कक्ष का उद्घाटन भी हुआ। धन्यवाद ज्ञापन निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर RK सोहाने ने किया। मौके पर PRO डॉक्टर राजेश कुमार, विश्वविद्यालय के सभी निदेशक, अधिष्ठाता, शिक्षक एवं गैर शिक्षकेतर कर्मी, छात्र छात्रा एवं प्रगतिशील किसानों के अलावा काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंपा पुल के समीप नदी में एक अज्ञात शव बरामद हुआ है, जिसकी खबर इलाके में लोगों को मिलते ही लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया और शव देखने के लिए मौके पर लोगों की काफ़ी भीड़ जुट गई। वहीं इसकी सूचना मिलने पर नाथनगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव के पहचान में जुट गई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। भागलपुर के नाथनगर महाशय डोड़ी निवासी राजीव रंजन उर्फ लड्डू सा ने जिला प्रशासन और अंचल के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। राजीव रंजन ने कहा कि अर्पण नामा के बावजूद धड़ल्ले से मोटी रकम लेकर जमींदार प्रशासन से मिलकर जमीन बिक्री का बड़ा खेल हो रहा है। दरअसल भागलपुर नाथनगर अंचल के महाशय डोड़ी में जमीन को सीलिंग एक्ट और अधिग्रहण से बचाने के लिए 1930 ईस्वी में स्वर्गीय तारकनाथ घोष के नाम से अमरनाथ घोष ने महाशय डोड़ी तारकनाथ घोष ट्रस्ट निज धार्मिक के नाम से एक अर्पण नामा बनाकर करीब 600 एकड़ जमीन 7 मौजों में दान कर दिया था। वहीं अर्पण नामा के बावजूद स्वर्गीय तारकनाथ घोष ने मोटी रकम लेकर 40 के दशक से उस जमीन को रजिस्ट्री करना शुरू कर दिया। इधर तारकनाथ घोष के एक फरीक स्वर्गीय रविंद्रनाथ घोष ने 1999 में जब दीवानी वाद दायर किया तो भागलपुर सिविल कोर्ट ने इस जमीन के खरीद बिक्री पर रोक लगा दी। हालांकि स्वर्गीय तारकनाथ घोष ने अनिबंधित इकरारनामा स्टाम्प पर मोटी रकम लेकर जमीन को बेचना शुरू किया। राजीव रंजन का कहना है कि तारकनाथ घोष की वारिस मुक्ता घोष जमीन को बेचने के उद्देश्य से एक षड्यंत्र के तहत संबंधित प्रशासनिक अधिकारी से मिलकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का काम कर रही है, जबकि उन लोगों ने वर्ष 1999 में यह जमीन खरीदी थी। इधर CO और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लड्डू शाह के मकान को खाली कराया गया, जिससे उनका पूरा परिवार बेघर हो गया। मामला कोर्ट में चला था DC के यहाँ, ठीक है,
तो डीसी राज के यहाँ माल मटेरियल दे करके वो अपने पक्ष में आदेश ले लिया। उसके बाद हम लोग कोई खबर कल हमको जो है नोटिस करीब 3 बजे दिया 1 तारीख को, और 2 तारीख को 15 मिनट का समय दिया कि तुम मकान खाली करो, 15 मिनट के अंदर में खाली करो। हम बोले हम कोर्ट में हैं, हम आते हैं, कम से कम 2-4-5-10 दिन का समय दीजिए, हम अपना इतना सामान लेके कहाँ जाएंगे। तो बोला कि नहीं 15 मिनट से खाली, 15 मिनट तो पानी पीने में आदमी को लगता है एक बोतल। मामला क्या था, खाली करवा रहा? खाली करवा रहा था कि उस ज़मीन को हम खरीदे हैं, उसका बाप जो है आलोकनाथ घोष ने हमको बेचा है, बेचा है करीब 2099 में, हाँ 1999 में, 1999 में बेचा है और हम खरीदे। अरे हम क्या 500 आदमी खरीदा है, बगल में एक तो है गुप्ता जी वो भी खरीदे, उसके बगल में एक तो मंडली वो भी खरीदे हैं, सब मकाने खरीदे हैं। रूप समाहर्ता भागलपुर सदर के द्वारा BLDR एक्ट के तहत एक आदेश पारित किया गया है, तो उसमें हमें आदेश प्राप्त हुआ है इसे खाली कराने का। उसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी भागलपुर सदर के द्वारा प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है, और उसी की देखरेख में उसी की सुपरविजन के लिए हम यहाँ पे आए हैं।